बड़े पीर हजरत मखदूम शाह बाबा एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो ब्लॉग होने वाला है वो होगा माहिम दरगाह पर, तो मैं अभी वहीं जाने के लिए निकल रहा हूं और मुझे वहां पर ज्वाइन करने वाले हैं हुसैन भाई जो हमारे कॉमन फ्रेंड है, बट मुझे उनका डाइसी लग रहा है, वो आएंगे नहीं आएंगे कुछ खबर नहीं है। अगर वो नहीं भी आए तो भी हम लोग वहाँ पर सारी चीज़ें कवर करेंगे और मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ, बने रहे मेरे साथ वीडियो में। यार आज जा रहा हूँ मैं माहिम दरगाह और अभी मैंने हुसैन भाई को भी फ़ोन किया हूँ, वो भी ऑन द वे है, अगर वो मिलते हैं तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो यार अभी हूँ मैं रेलवे ब्रिज पे, जा रहा हूँ अभी टिकट निकालने, फिर वहाँ से जाते हैं अपन माहिम के लिए। तो यार ये लगी अपनी ट्रेन और जैसी आती है फिर ट्रेन में जाने के बाद आपको बताता हूँ मैं। तो यार माहिम पहुँच गया हूँ मैं और अभी तक हुसैन भाई का कोई ठिकाना नहीं है, पता नहीं आएंगे कि भी नहीं आएंगे, तो चलो अभी डायरेक्ट चलते हैं दरगाह पर। तो यार माहिम दरगाह स्टेशन से अराउंड 1 किलोमीटर दूरी पर ही है, तो मैं सोचा चल कर जाता हूँ और यहाँ कुछ अगर इंटरेस्टिंग दिखता है तो मैं आपसे डेफिनेटली शेयर करूँगा, वही देखते हुए जा रहा हूँ मैं। रौनकें शुरू हो गई है, ये देखो मुंबई फेमस बाबा फालूदा, ये है खिचड़ा हलवा पराठा, ये रही भाई मखदूम दिया की मदार, ये गेट है और मैं अंदर जाके आप लोगों को दिखाता हूँ। माशाल्लाह देखो यार ये सब शॉप्स है भाई, जहाँ से आप चादर वगैरह लेकर दरगाह पर चढ़ा सकते हैं, सब लाइन से वही शॉप्स हैं ये। दरगाह में जाने से पहले वजू कर लेते हैं फिर जाके वहाँ पे ज्यारत करते हैं। ये व्यू देखो यार यहाँ का, वजू करके मैं मदार के अंदर जाने लगा जहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी लोग लाइन में खड़े थे, तो मैं भी वहीं पर आकर खड़ा हो गया। और ये है दरगाह का मेन गेट जहाँ से लोग अंदर की तरफ जाते हैं। अब देखो मज़ार शरीफ में अंदर घुसने के साथ में ही बहुत लोग एक साथ अंदर आ गए थे, तो मैंने भी अपनी जगह बनाया साइड में खड़े होकर, पहले मैंने दुआ फातिहा किया और उसके बाद में मैंने पूरा दरगाह का फुटेज कवर किया। अब देख सकते हैं यार कितने सारे लोग आए हैं, कितने सारे लोग इनको मानते हैं, कितने लोगों की मन्नतें यहाँ से पूरी होती है, कितनी लोगों की दिल की मुरादें यहाँ से पूरी होती, ऐसे ही लोग नहीं इतने हजूम में लोग एक साथ आते हैं, आप समझ सकते हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। और इतना ज़्यादा वहाँ पे क्राउड हो गया था ना यार कि मैं अच्छे से रिकॉर्ड भी नहीं कर पा रहा था, कवर नहीं कर पा रहा था, तो मैंने थोड़ा ही वहाँ पर जैसे तैसे करके रिकॉर्ड किया और फिर थोड़ी ही देर में मैं वहाँ से बाहर निकल गया। अब देख सकते हैं ऊपर का ये व्यू है, ये ऊपर का पूरा मैंने कवर किया हुआ है मज़ार शरीफ के, वहाँ का मैनेजमेंट भी काफ़ी अच्छा था। दरगाह से बाहर निकल कर मतलब जितना हो सका मैंने आप लोगों के लिए कवर करने की कोशिश किया हूँ। और ये आप जो आप सामने देख रहे हो ये दरगाह का दूसरा गेट है जो पीछे की तरफ से होता है, यहाँ से भी लोगों को इस गेट से भी लोगों को अंदर जाने देते हैं जब बहुत ज़्यादा क्राउड आ जाता है। और ये आप देख रहे हो गुंबद में लोग चढ़ के उसकी सफाई कर रहे हैं, कितना प्यारा यहाँ का मंजर था यार, मतलब उसको मैं बोल के नहीं बता सकता हूँ, यहाँ पे जाने वाले लोग ही इसको असलियत में बयान कर सकते हैं। आप लोग सब व्यू देखो यार कितना प्यारा लग रहा है, ये दरगाह की दीवारें हैं, दरगाह का पूरा ये बॉर्डर है और ये देखो गुंबद के ऊपर वही आदमी लोग चढ़े हैं सफाई के लिए। और ये दरगाह के पीछे साइड का रास्ता है जहाँ से औरतें अंदर बैठती हैं, नमाज़ वगैरह पढ़ती हैं, अपनी इबादत करती हैं और फिर
सुकून का वहाँ पर टाइम स्पेंड करके अपने घर की तरफ निकलते हैं। दरगाह से अपना बाहर निकल गए अभी और अभी मैं जा रहा हूँ पीछे। दरगाह के पीछे जाने का रास्ता है तो सीधा बीच पे निकलता है। यार फाइनली आ गए हैं बीच पे तो माहिम दरगाह के पीछे और ये वहाँ का व्यू है भाई, देखो ये जो आप लोग देख रहे हो ये भी एक दरगाह ही है, पानी के अंदर की दरगाह। तो यार अभी मैं पानी के अंदर हूँ और अभी यहाँ से अंदर जा रहा हूँ। आप सामने आपको हाँ इस दरगाह पे अभी जा रहा हूँ मैं, वहाँ पहुँच के फिर बताता हूँ आपको। चलो वहीं मिलते हैं अभी। ये देखो यार ये देखो दरगाह का हजरत खिज़र अली सलाम नाम है। चिराग रोशन करके जाइए, पाँच रुपए का नारा बांधो, पाँच रुपए का बाबा के नाम से चिराग रोशन करके जाना भाई। हेलो चिराग रोशन करो, पाँच रुपए का नारा बांधो, पाँच रुपए जो पाँच का फूल है पाँच का चिराग ले लीजिए। चिराग रोशन करो, पाँच रुपए का फूल खर्च करो, चिराग रोशन करके जाइए, पाँच रुपए बाबा के नाम का चिराग पेश करके आना बिल्लो, जो पाँच का फूल है फटाफट दुआ करके बाहर जाओ, बाबा के नाम का चिराग रोशन करके जाओ, जो पाँच का फूल है पाँच का चिराग। अच्छा आता ना पहले बार में सलाम को। तो यार अभी मैं हूँ खिज़र अली सलाम के दरगाह पर जो कि बिल्कुल पानी के बीच में है। आप देख सकते हैं जस्ट मेरे पीछे ये देखिए, और अभी हो गया यहाँ पे शाम का टाइम और पानी बहुत चढ़ रहा है यहाँ पर। ये शाम का व्यू देखो, चिराग से चिराग लगा लो, पाँच का फूल है पाँच का चिराग है, लो भाई जो पेश करना करो, पानी चढ़ रहा है पाँच का फूल है पाँच का चिराग। हाँ तू लेना मेरे पास दस छोटा लिया तुमने, पाँच का चिराग। अब चलते हैं दरगाह की तरफ, मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे फिर जाएंगे घर की तरफ। अकीदा होना चाहिए। चलो मेरे को ना भाई थोड़ा डाउट था, पता नहीं पानी पाक है नहीं पाक है, तो ये भाई मुझे मिले और भाई ने बोले कि भाई बेफिक्र होके बिंदास जाओ और अगर वजू में है तो बिंदास जाके नमाज़ पढ़ सकते हैं, ये पानी पूरा पाक है। इन्होंने पानी हाथ में लेके मुझे अपने मुंह पे चेहरे पे लगा के दिखाया। धो सकते हैं इसको ऐसे घर में वजू करके, मतलब इसको धो सकते हो। अच्छा और ये पानी जो है आप इस्तेमाल में भी कर सकते हो, मतलब अच्छा हाँ आप इसका इस्तेमाल भी करते हो, लोगों को यहाँ पे शिफा होती है। अच्छा माशाल्लाह जी 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 जी, कई लोग वहाँ से फैज भी पाते हैं। बेशक बेशक भाई, हाजरिया वगैरह आती जिनके पास शैतान रहता है जी जी जिन्ना, तो उसके लिए भी बहुत फायदेमंद है इस पानी को। बात है लोग अपने घरों में लेके आते हैं इस पानी को माशाल्लाह, घरों के दरों दीवार पर मारते हैं। ओहो तो देखो, और ऐसा इस पानी की बात ये है, इसकी बरकत ये है सरकार की, यहाँ पे जब सरकार का ये बैठका है चिल्ला है जी समझे, तो सरकार के चिल्ले के हिसाब से लोग आते हैं, हाजिरी अकीदतमंद लोग आते हैं यहाँ पे चाहने वाले। अच्छा और चाहते तो फैज भी पाते ऐसे लेके, नहीं लोगों को फैज होता तभी तो लोग आते। सही बात है भाई, अब फैज नहीं होगा तो कौन आएगा। सही सही बात है, सही है ना जी जी, लोगों को बरकत मिलती है, फैज मिलता है, लोगों का काम होता है तो लोग आते हैं इधर, तो किसी भी दरगाह पे कोई भी दरगाह पे जाते हैं लोग। सही बात है, तो उनका फायदा ही है, बेनिफिट है तभी लोग जाते हैं। सही बात है भाई, बिना वजह बिना फायदे का कोई नहीं आता। सही बात है, सही ये अकीदा होना चाहिए इंसान का, अगर अकीदा मजबूत है तो सब काम होता है। सरकार से मोहब्बत है तभी ना आ रहे लोग, अकीदा नहीं है तो कोई बात नहीं। सही बात है, पूरा अकेले अकीदे का है, अकीदे के लिए ये ख्वाजा खिज़र अली सलाम का बैठका है जी। हाँ तो यहाँ पे किस देखो, ये ख्वाजा खिज़र अली सलाम का बैठका है, चिराग वगैरह लगता है जी और लोग फूल भी लगते हैं, लोग
दूध वगैरह पेश करते हैं जी। अच्छा, ये दूध पेश करने का क्या मसला है? ये मसला नहीं है, दरअसल ये दूध पेश करने का कोई ऐसा वो नहीं है। मैं आपको मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ कि हम पेश करते हैं, हमारा अकीदा है कि हम पेश कर रहे हैं, मोहब्बत में हम पेश कर रहे हैं। जरूरी नहीं कि अब हमारा ऐसा तो कुछ नहीं था, इनका कॉल था, उन्होंने बोला था ऐसा, उन्होंने कुछ कहा नहीं है, किसी की बात नहीं है ऐसा। लोग अगर आपको बोले भी तो किसी ने कहा नहीं है कि भाई आप आकर के दूध चढ़ाओ या कुछ भी चढ़ाओ। अच्छा, कुछ नहीं है यार, लोगों का काम होता है, लोगों का जैसे जरिए मन्नतें मुरादें रहती है वो पूरी होती है। पानी भर जाएगा तो लोग पीछे जा करके खड़े होंगे, अच्छा अंदर तो कोई आएगा नहीं, कोई बरोबर। जब भर्ती चढ़ती है तब लोग आके पीछे खड़े होते हैं, ऐसा यहाँ पे तो कोई आता नहीं है। सही है। और इससे मुताबिक अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हो। नहीं, बस यही थोड़ा कन्फ्यूजन था कि मतलब ये लोग जो दूध पेश करते हैं इसका क्या मेन मसला था, मतलब इसका कॉल था या फिर लोग मोहब्बत में पेश करते हैं कि क्या दूध है, चद्दर है, फूल है, अगरबत्ती है, सभी हमारा अकीदा है, ये हमारी मोहब्बत है जी, जो हम उनको पेश करते हैं। सही बात है भाई, समझे। ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है, उन्होंने कहा नहीं कि भाई हमारे पे तुम ये पेश करो वो पेश करो। सही बात, वो हमारा अकीदा मोहब्बत है, हमारा कुछ काम होता है, इससे हमारे कुछ मुरादें पूरी होती है जी, तो हम उसको पेश करते हैं। वहाँ खैराज अकीदत पेश करते, दरूद सलाम पेश करते, समझे, फातिहा पढ़ते, वो सब चीज़ें जी। बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपके टाइम का। और पानी की दरगाह से वहाँ से फ्री होके भाई से थोड़ा नॉलेज लेके मैं फिर से जा रहा था दरगाह की तरफ, क्योंकि हो चुका था मगरिब का टाइम और फिर मगरिब की नमाज़ पढ़ के बाहर निकलना था। और फिर बाहर जाने के बाद में मैं देखने वाला था कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिल रही है खाने की, और उसमें से जो भी बेस्ट लगता था वो लेकर थोड़ा खाते थे और फिर खा के बाहर की तरफ निकलते थे। अभी तो ये बीच का ही पूरा सीन है, बीच पे अभी मैं खड़ा हूँ पानी से जस्ट अभी बाहर निकल के और जा रहा हूँ दरगाह की तरफ। यहाँ से एक बहुत पतली गली है जहाँ से वो रास्ता जाता है दरगाह के लिए, बस वहीं से होते हुए जा रहा हूँ अभी मैं, जब तक आप ये बीच का व्यू ले लो। शाम का टाइम है, पूरा बीच पूरा ये एरिया पूरा गीला गीला हो गया था। तो अभी हो गया है भाई मगरिब का टाइम, मगरिब पढ़ के बाहर जाते हैं, कुछ खाते हैं फिर घर पर निकलते हैं। मगरिब पढ़ के हो गया है भाई, अब मैं जा रहा हूँ बाहर की तरफ। और ये जो बड़ा गेट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, ये मखदूम शाह बाबा का मेन एंट्रेंस का गेट है, जो काफ़ी शानदार काफ़ी बड़ा बनाया हुआ है। और ये दरगाह की मस्जिद है जहाँ पर लोगों को नमाज़ पढ़ने के लिए बनाई गई है, बहुत ही अच्छा काफ़ी बड़ा एरिया है। और यह है दरगाह का एरिया और यहाँ से लोग अंदर आते हैं। यह है दरगाह का गुंबद, उसमें देख सकते हैं हम काफ़ी सारी मीनारें वगैरह भी बनी हुई है। कितना प्यारा लग रहा है यार ये व्यू, ज़बरदस्त। फिर मैंने मेरा शूज़ लिया और दरगाह की बाहर की तरफ आने लगा। आप मेरे पीछे पब्लिक देखो यार, क्या ज़बरदस्त पब्लिक आई हुई है। और फिर उसके बाद में ये देखो, ये मेन गेट है मेरे पीछे। फिर मैं वहाँ से एक स्वीट शॉप पर गया, सिमरा को एक्चुअली ये वाली जो मिठाई होती है ये कोकोनट से बनती है, ये उसको बहुत ज़्यादा पसंद थी। तो मुझे पहले उसने बोल दी थी डैडी मेरे लिए लेके आना, तो मैंने सोचा क्यों ना उसके लिए लेके चलूं। टेस्ट में बहुत अच्छा होता है, बच्चे बड़े सब खा सकते हैं। ये देखो दरगाह का जो मेन गेट है बुलंद दरवाज़ा, उसका ये है क्लोज लुक। मैंने सोचा आप लोगों को क्लोज करके भी थोड़ा दिखाऊं, ये बहुत प्यारा लग रहा था तो मैंने सोचा आप लोगों को भी इसका क्लोज लुक देता हूं। यार बहुत शानदार लग रहा था, और शाम को तो इसका एक अलग ही मंजर होता है जिसको आप खुद ही देख के एक्सपीरियंस कर सकते हो। फाइनली मैं दरगाह से बाहर निकल गया और बाहर रोड की तरफ जा रहा हूँ, और आप लोग देखो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिख रही है। ये देखो क्या मस्त मार्केट लगी हुई है यार यहाँ पर, कुछ देखता हूँ खाने के लिए क्या चीज़ अच्छी है, एक बार बैठ के कुछ खाते हैं। खिचड़ा ट्राई करते हैं यार, खिचड़ा। अभी यहाँ मैं बैठा हूँ भाई खिचड़ा खाने के लिए, और देखो कितनी पब्लिक लाइन से बैठी है, सब खिचड़े के लिए बैठी हुई है। मैं आपसे बताता हूँ फिर कैसा है वो, कैसा लग रहा है आप लोग बताना। ये भाई अपना बाबा फालूदा का काजू फालूदा, तो मैं दरगाह से वापस घर पर आ गया हूँ। इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें, और नोटिफिकेशन बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि आपको मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहे। थैंक यू सो मच।